नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल CSCR Jobs Online में। अगर दोस्तों आज की वीडियो है, झारखंड में फॉर्म आया है झारखंड पीजीटी का, वो आज आपको मैं ऑनलाइन करके दिखाऊंगा। टीजीटी जो झारखंड पीजीटी का फॉर्म है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों और भाई और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। चलता फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे आप झारखंड पीजीटी का फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पे आना है। गूगल पे नहीं आना, आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाना, मैं इसका लिंक वीडियो के नीचे डाल दी। जैसे आप इस पे आ जाएंगे आपको क्या करना है, नीचे आना है। थोड़ा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखता है झारखंड पीजीटी अप्लाई ऑनलाइन, इस पे क्लिक करना है। इसके बाद नीचे आ जाइए, थोड़ा जनरल ओबीसी हुई WS वाले के 100 रुपया, SC ST के। अगर मान लिया जाए आप झारखंड से बाहर स्टेट वाले पढ़ रहे हो तो आपको जनरल में काउंटिंग होगी। अगर आप जन मार्क्स के ही रहने वाले हैं तो आपके SC ST वहीं के लगेंगे। मान लिया SC ST जैसे 50 रुपये, तो यहाँ के SC ST के लिए 50 रुपये लिए, झारखंड वाले के लिए SC ST के 50 रुपये, ठीक है। इसकी अप्लाई डेट है 5/4/2023 और लास्ट डेट है 4/5/2023। कनेक्शन डेट है इसकी 10 से 12 मई। एग्जाम डेट कोई नहीं है इसकी। 21 से 40 साल उम्र है इसकी और 3120 पोस्ट है इसकी। सबसे नीचे पहुंच जाएंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे जाके क्लिक एयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपने पहले कोई रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। तो मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे करूँ। आपको नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछ रहा है सिलेक्ट योर पोस्ट अप्लाई फॉर, ये पूछ रहा है आपको किस में करना है, मतलब कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई करना है। तो मुझे हिंदी में करना है। उसके बाद पूछ रहा है आर यू एन इंडियन सिटीजन, हाँ जी मैं इंडियन हूँ, यस करेगा। उसके बाद अप्लाई अप्लीकेशन नेम अपना नाम डालना है अपना, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है, यहाँ पे पिताजी का नाम डालना है इस कॉलम में और माँ का नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है जेंडर चुनना है। उसके बाद यहाँ पे अपना मेरिट अनमेरिट जो भी आप वो डाल देंगे और यहाँ पे अपनी जो यहाँ पे अपना झारखंड के बजाय क्या आप लोग झारखंड के हैं नहीं तो मैं ही नो करूँगा। जैसे ही आप नो करेंगे यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, जनरल आ जाएगा। अगर देखो आप यस करते हो इसे पास्ट आ जाएगा आपकी, जो झारखंड के उनके लिए। तो मैं झारखंड से नहीं हूँ, नो करूँगा। उसके बाद नीचे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जनरल चुन लेंगे, उसके बाद नीचे आ जाएगा थोड़ा, उसके बाद रेगुलर चुन लेंगे, उसके बाद अपना आधार नंबर डाल देंगे यहाँ पर, उसके बाद मार्क डाल देगा अगर आपके पक्के चेहरे वगैरह पे जो भी तिल वगैरह होता है या कंधे में जो भी वो डाल देगा, नहीं है तो नो मार्क आप डाल के इस तरह से आप ऐसे छोड़ सकते हो अगर आप कुछ नहीं डाल। उसके बाद पूछ रहा है बीएड रिजल्ट स्टेटस आपका आ चुका है या मतलब आने वाला है, चल रहा है, कम्प्लीट हो चुका है। तो मेरा कम्प्लीट हो चुका है, मैं कम्प्लीट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद ये पूछ रहा है टू यू हैव 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, ये पूछा कि आपके पास एक्सपीरियंस है 3 ईयर का टीचिंग का, अगर है तो यस करेगा। उसका जो है यहाँ पे डिटेल डाल देगा, स्कूल का नाम, एड्रेस स्कूल का, अब ज्वाइनिंग की है, टोटल एक्सपीरियंस कितना है, ये सारी चीज़ आप डाल देंगे इसमें। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास। उसके बाद यहाँ पे अपना वो एड्रेस वगैरह डाल देंगे जो भी आपका एड्रेस है। जैसा आप इस यहाँ पे अपना एड्रेस डाल के उसके बाद यहाँ पे टिक कर देंगे, ये यहाँ का एड्रेस है, वो यहाँ पे क्लिक हो जाए। उसके बाद नीचे आ जाएगा, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर वही डालना है जो ऊपर डालना है आपको। उसके बाद ईमेल आईडी डालनी है, दोबारा ईमेल आईडी वही डालनी है जो ऊपर डालनी है। उसके बाद पूछ रहा है आई यू एंडर, तो ये कह रहा है कि आपके पास कोई हुआ है तो नहीं, इसे नो करेंगे आप, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैट्रिक्स 10वीं की डिटेल पूछा है, स्कूल का नाम पूछा है, उसके बाद बोर्ड का नाम पूछ रहा है और
अब आप पासिंग किए आपने, कितनी परसेंटेज है आई है आपकी, ठीक है दोस्तों, ये सब्जेक्ट नहीं पूछ रहा हाई स्कूल में। उसके बाद इंटरव्यू डिटेल डालनी है, उसका कॉलेज का नाम, बोर्ड का नाम आपकी है, और उसकी परसेंटेज, उसके सब्जेक्ट जो भी आपके इंटरव्यू सब्जेक्ट। उसके बाद ग्रेजुएशन पर जाएगी, ग्रेजुएशन में आपके पास कौन से स्कूल से आपने ग्रेजुएशन का ये बोर्ड का नाम डालेगा यूनिवर्सिटी पर जैसे भी आपका जो। उसके बाद यहाँ पे पासिंग कब किया है ग्रेजुएशन, उसके बाद आपके ग्रेजुएशन के जो वो है परसेंट है वो डाल देंगे। उसके बाद उसका जो आपने कॉमर्स किया है आर्ट्स जो भी है वो डाल देगा, और उसकी ग्रेजुएशन पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे उसकी डिटेल बोर्ड ग्रेजुएशन की भी ऐसी बननी है जैसे ग्रेजुएशन की बननी है। पोस्ट ग्रेजुएशन में ये पूछ रहा है किस हिसाब ने किया है सब्जेक्ट से, वो आप डाल देंगे सब देख के। उसके बाद बी एड पर आ जाएगा, बी एड आपने कब किया है, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, और कब किया है, फिर परसेंटेज और यहाँ पे उसके सब्जेक्ट किस किया है वो डाल देंगे। दोस्तों मैंने इसका रजिस्टर कर चुका हूँ, तो मैं आपको बता रहा था कैसे कैसे आप इसकी डिटेल भर लेंगे, तो आपको मैं डिटेल दिखाता हूँ, मैंने सब चीज़ भर चुका हूँ मैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अपना जो है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकता हूँ जो मेरे पास आया था। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, मैं यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, और यहाँ पे अपना कैप्चर डालते हैं। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे, मेरा देखो ये फॉर्म जो है वो मैंने भर चुका हूँ, मैंने सबमिट भी कर दिया था। सबमिट करने के बाद आपको जहाँ पर मैंने बताया था वो कैसे कैसे बनना है सब चीज, जैसे वो आप सबमिट कर दोगे आपके सामने एक एंट्री पेज ऐसा आ जाएगा, फीस करने का ऑप्शन आ जाएगा, फीस इसकी कर पाओगे जब भी आपको अपना फोटो साइन वगैरह लगा सकते हो और अपना आगे फॉर्म कर सकते हो। तो पेमेंट डिटेल आ चुकी है, उसके बाद ये पे ये और एप्लीकेशन फीस 100 रुपया है मेरी, क्योंकि मैं यूपी से भर रहा हूँ इसे, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा पे नाउ पे। पे नाउ पे जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये सारा पॉपअप खुल के आ जाएगा, जो आप पेमेंट करना चाहते हो UPI से करना चाहते हो, नेट बैंकिंग से करना चाहते हो, अदर डेबिट कार्ड से करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो, HDFC बैंक से करना चाहते हो, जिससे भी आप करना चाह सकते हो वो कर सकते हो दोस्तों, जिससे भी आपका जो भी आपके पास हो दोस्तों। बस मुझे आपको यही बताना था कि आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं। फोटो सिग्नेचर आप लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फोटो सिग्नेचर में आपको कोई भी दिक्कत आएगी या आती है तो प्लीज मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर फोटो सिग्नेचर नहीं लग रहे, मैं आपको सिग्नेचर बता दूंगा कैसे लगाने हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। तो आपको बस मुझे इतना ही बताना था कि दोस्तों ये इसका फॉर्म कैसे भरना है, बस फोटो सिग्नेचर तो आप लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे कॉन्टेक्ट कर सकते, क्योंकि मैं इसका फॉर्म भर नहीं रहा तो मैं फीस नहीं कर पाऊंगा इसका, ठीक है दोस्तों। तो आपको आई होप वीडियो पसंद आई होगी कि आप झारखंड PGT का फॉर्म अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर झारखंड PGT का फॉर्म आपको समझ में आया हो कैसे भर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है CSCR जॉब्स ऑनलाइन। आप इसे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ।